इलाहाबाद की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। धूमनगंज में 9 कुंटल कूटू का और सिंघाड़े का आटा खाद्य विभाग ने नष्ट कराया, कोल्ड स्टोर में पकड़ा गया था। हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार को करारा झटका, तय सीमा पर होंगे स्थानीय निकाय के चुनाव, 2011 की मतगणना के अनुसार। स्वाभिमान यात्रा लेकर आए भाजपा नेता कलराज मिश्र ने दावा किया अगली बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का। छात्र चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय में हंगामा, पथराव के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां, कई घायल। रीता जोशी ने भी समर्थन किया छात्र संघ का, कहा राहुल बाबा से करेंगे सिफारिश। धूमनगंज में 9 कुंटल कूटू का और सिंघाड़े का आटा खाद्य विभाग ने नष्ट कराया, कोल्ड स्टोर में पकड़ा गया था। हम लोग नियमित इंस्पेक्शन के दौरान, जांच के दौरान कनौडिया कोल्ड स्टोरेज जो लुकरगंज में स्थित है, इनके रजिस्टर की जांच कर रहे थे, उसी में मिला सिंघाड़े कांटा और कुट्टू कांटा। तो निकलवा कर चेक किया तो यह खाने योग्य नहीं है। कुट्टू का आटा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध किया है बेचने के लिए, और सिंघाड़े का आटा भी ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता, कोल्ड स्टोरेज में भी नहीं रखना चाहिए। दोनों मालिकों को बुलाया गया, लोगों ने लिख कर दिया कि गलती से ऐसा हुआ है। इन आटों का इस्तेमाल किस चीज में होता है? इन आटों का इस्तेमाल त्योहारों के अवसर पर जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग इसको खाते हैं। कितना जहरीला था ये आटा, और अगर कोई कंज्यूम करता है तो क्या क्या दिक्कतें होती? बिल्कुल, यह कुट्टू का आटा पिछले गर्मी के नवरात्र में दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों काफी बीमार हुए थे, उसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह बहुत ही नुकसानदेह है शरीर के लिए। मात्रा है दोनों आटों की, कितनी मिला के? दोनों आटों की लगभग 11 कुंतल पूरा है, 10 कुंतल सिंघाड़ा है और 1 कुंतल यह। दीपावली के अवसर पर इसको मार्केट में खपाने की तैयारी थी? बिल्कुल, रखा गया है तो यह कहीं न कहीं इसके पीछे लोभ था, यह बाजार में उतारा जाता, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार को करारा झटका, तय सीमा पर होंगे स्थानीय निकाय के चुनाव, 2011 की मतगणना के अनुसार। उस पर फैसला ये आया जस्टिस अमिताभ लाला और जस्टिस विनय कुमार माथुर जी की बेंच से कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं उनको जो भी टाइम फिक्स है उस टाइम शेड्यूल के अंदर ही चुनाव कराया जाए, लेकिन 2011 का जो जनगणना का रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो है और वार्ड्स का डिलिमिटेशन करने के बाद तब चुनाव कराया जाए। हाँ, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। उन्होंने ये कहा कि जहां पे 15 नवंबर को टर्म जैसे खत्म हो रहा है किसी नगर निगम का या नगर स्थानीय निकाय का, तो वहां तो आप अभी कर लीजिए, और जिनका दिसंबर में खत्म हो रहा है उसका अगर आपको टाइम ज्यादा आपको लगता है तो आपको कंप्लीट करके तब कराइए। लेकिन वार्ड्स का डिलिमिटेशन 2011 की जनगणना के हिसाब से कराने के बाद ही आप चुनाव कराएं। चुनाव राज्य सरकार नहीं कराना चाहती और इसके लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। अभी तक जनगणना की जातिवार संख्या प्रकाशित नहीं हुई, अधिकृत रूप से अभी जनगणना भी प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन राज्य सरकार कह रही है कि जनगणना जब प्रकाशित हो जाएगी तब उसके आधार पर हम पहले परिसीमन कराएंगे, फिर आरक्षण करेंगे और तब चुनाव कराएंगे। यह लोगों को, जनता को भ्रमित करने का एक बहाना मिल रहा है। मामला उच्च न्यायालय में है और आशा है कि आज कोई निर्णय उसमें आएगा। स्वाभिमान यात्रा लेकर आए भाजपा नेता कलराज मिश्र ने दावा किया अगली बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का। यात्रा
यात्रा निकालने का हम लोगों ने फैसला किया। केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार महंगाई और प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार और जर्जर कानून व्यवस्था के विरोध में उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान को ध्यान में रखकर जब यात्रा निकालने का हमने फैसला किया तो उस समय ये अपेक्षा नहीं थी कि इतना जबरदस्त जन समर्थन मिलेगा, लेकिन जब यात्रा चली है तो मैं कह सकता हूं कि चाहे चंदौली हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे मिर्जापुर और जौनपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, और कल मैं यहां पहुंचा, इतना जबरदस्त समर्थन है। एक एक दो दो किलोमीटर पर जन समूह आकर यात्रा का समर्थन करता था, लोग बैठ करके जोशो खरोश से स्वागत करते थे और लगता था कि उनको जो चीज चाहते हैं वो चीज मिल गई है। आपकी सत्ता बन पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही उत्साह दिखता रहा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सत्ता स्थापित करेगी।